नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज का वीडियो में हम लोग के क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो क्यों जो पेट्रोल प्राइस रोज रोज क्यों बढ़ते रहते हैं, उसका कारण क्या है, बोल के ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने वाला है। फिर ये वीडियो में फिर क्रूड ऑयल मतलब क्या है, वो जो क्रूड ऑयल से जो कैसे जो पेट्रोल मतलब क्या क्या जो प्रोडक्ट जो एक्सट्रैक्ट करता है, फिर क्रूड ऑयल जो अवेलेबिलिटी कौन सा कंट्री में जो ज़्यादा है उसका बारे में हम लोग को ये डिस्कस करने वाला है। सो हम लोग अंदर जाएंगे, उसका पहले अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बाजू में एक बेल बटन भी हो जाता है उसको भी दबा दीजिए, अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अंदर चलेंगे। अभी 2000 में आप देखने से जो पेट्रोल प्राइस आप देखने से कम क्या है वो 30 रुपया नहीं तो 40 रुपया जो हुआ था, लेकिन अभी का टाइम में अभी देखो अभी सभी स्टेट में मतलब इंडिया में ज़्यादा स्टेट में अभी 100 रुपीज़ मतलब सादा मतलब 100 रुपये रीच हो गया। ठीक है, वो किस लिए वो ऐसा जो पेट्रोल प्राइस क्यों ना ऐसा बढ़ते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बोल के ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने वाला है। ठीक है, अभी पेट्रोल प्राइस देखो इंडिया में दिल्ली दिल्ली मुंबई छोड़ के मुंबई देखो, मुंबई 100% हो गया, चेन्नई 100% हो गया, फिर बैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, पटना, सभी जगह पे क्या है ये पर लीटर पेट्रोल 100 रुपीज़ का ऊपर ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो क्यों ना ऐसा जो हो जाता है। ठीक है, मैं तो पहले बोलना पुराना का टाइम में बहुत मतलब 10 साल का पहले पेट्रोल प्राइस उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी का टाइम में बहुत था। अभी आदमी लोगों को पूछ सकता है सर अभी का जो क्या है अभी सभी पेट्रोल छोड़ के सभी प्राइस का रेट ऐसा बढ़ते रहता है, अगर ऐसा बढ़ते रहने से भी पेट्रोल बढ़ते रहने के क्या प्रॉब्लम, बोल के आप पूछ सकता है, लेकिन पेट्रोल पेट्रोल डीजल क्या है जो हमारा क्या है डेली यूसेज करने वाला आदमी बहुत ज़्यादा है पेट्रोल का, इसलिए वो जो ऐसा वाला प्रोडक्ट को बहुत क्या है बहुत इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर इंक्रीज होना चाहिए आदमी लोगों को बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, वही प्रॉब्लम है। अभी पहले क्रूड ऑयल मतलब क्या बोल के देखेंगे, क्रूड ऑयल मतलब कुछ नहीं, अभी वो मिलियन मिलियन ईयर का पीछे। ठीक है, वो ज़्यादा क्या है ट्रीज ऐसा कुछ होगा था ना, ट्रीज छोटा छोटा प्लांट ऐसा कुछ रहेगा ना, वो सब कुछ क्या है सब कुछ वो हमारा जो जमीन का अंदर सेटल होके हो गया था पहले मिलियन मिलियन ईयर का जो पहले वो सेटल होने का बाद वो क्या क्या हो जाएगा उसी का जो एक एक कंट्री का एक टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से कोई कोई जगह पे ऐसा वाला जो जो जमीन में जो पस गया है ना वो सब कुछ क्या है ऐसा जो मेल्टिंग होने वाला ऐसा क्रूड ऑयल का ऐसा बन गया वो। लेकिन नेचुरल में आप देखने से इंडिया में ऐसा वाला जो क्रूड ऑयल का जो अवेलेबिलिटी हम लोग को नहीं है, जो बैडली वो नहीं है, जो इंडिया का गलती नहीं है, लेकिन वो जो नेचुरल नेचुरल में ऐसा नहीं था, लेकिन दूसरा दूसरा कंट्री में जो क्रूड ऑयल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा वाला ज़्यादा वाला कंट्री आप देखने से क्या है वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत एंड रशिया, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब कंट्री, ये कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का अवेलेबिलिटी है, यही कंट्री सभी का जो कंट्री को जो सेल करता है मतलब वो जो क्रूड ऑयल को जो सेल करता है। ठीक है, अभी क्रूड ऑयल का रेट देखने से देखो अभी अभी एक बोलने वाला है क्या ये ऐसा जो कंट्री बहुत जो एक्सट्रैक्ट मतलब जमीन से जो निकाल के क्रूड ऑयल को बैरल बैरल जो देने वाला है ना, जो लॉकडाउन का पहले 2020 लॉकडाउन का पहले जो क्या हो गया था वो ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग करके रखा था, लेकिन लॉकडाउन टाइम में जो बहुत फैक्ट्री मतलब आदमी लोग को यूज करने वाला मतलब पेट्रोल डीजल यूज करने वाला आदमी तो बहुत कम हो गया। अभी का टाइम में उस वो टाइम में क्या किया जो मार्केट में जो वो लोग को सेल करने से आदमी लोग को जो नहीं ले रहा था क्यों बोलने से यूसेज तो बहुत कम है, लेकिन आदमी लोग को क्या पूछा था वो हम लोग को बहुत अच्छा थोड़ा कम रेट में दे दो बोल के बार्गेन करके जो प्रोडक्ट लिया था, इसलिए वो जो प्रोडक्ट तो किया ना वही आदमी को अभी क्या करता है ठीक है ठीक है, हम लोग को कुछ मैन्युफैक्चरिंग 2 साल का पहले हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है, हम लोग को क्या करेंगे हम लोग को रोज रोज हम लोग को कुछ ना कुछ डॉलर इंक्रीज करते रहे हम लोग को सेल करेंगे इसका बाद बोल के वो अभी कर रहा है। दूसरा क्या ये प्रोडक्शन को कम कर दिया, अभी वेनेजुएला देखने से वेनेजुएला नहीं तो यूएस फिर
जो कंट्री में वाला ना क्या है, फिर कनाडा सऊदी अरेबिया, उसका रिसोर्स ज्यादा रहने से भी उसको प्रोडक्शन भी ज्यादा कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो उतना प्रोडक्शन नहीं करता है, वो थोड़ा कम प्रोडक्शन करके वो डिमांड को जो इंक्रीज किया था, इंक्रीज कर रहा है अभी। सो आपको मालूम है डिमांड अभी एक प्रोडक्ट जो ज्यादा मतलब 100% जो जो मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें 50% मैन्युफैक्चर किया, अगर 50% मैन्युफैक्चर नहीं किया क्या तो क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा ही इधर हो रहा है। इसलिए अगस्त 2020 में देखने से जो $44 का जो रेट एक बैरल अभी रहने का टाइम में, अभी देखो अराउंड $76 जो बन गया। ये क्या है जो लॉकडाउन का, ऐसा लॉकडाउन टाइम में जो आदमी लोग जो लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो अभी प्रोडक्शन थोड़ा कम करके थोड़ा उसका जो बैरल का रेट को जो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अभी एक लीटर जो जो मतलब एक लीटर मतलब बैरल मतलब क्या है, 159 लीटर ऑलमोस्ट 160 लीटर लिक्विड आएगा, उसी में 32% का डीजल, 27% का पेट्रोल एंड 50% का LPG हम लोग को उसमें एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को निकलता हूँ, लेकिन अदर प्रोडक्ट भी हम लोग को निकल करता हूँ, लेकिन वो कम परसेंटेज है, ये तीन ज़्यादा परसेंटेज है, 32% का डीजल, 27% का पेट्रोल एंड 15% का LPG। ठीक है, अभी मैं तो बोला लॉकडाउन का सबसे जो क्रूड ऑयल का रेट बहुत मार्केट में बहुत राइज हो गया, यही कारण से अभी हम लोग को पेट्रोल पेट्रोल डीजल का रेट ज़्यादा मतलब पेट्रोल रेट का ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी भी अभी हमारा गवर्नमेंट मन रखने से उसका जो कम करके मतलब कम होने का चांसेस है, मतलब क्रूड ऑयल का रेट कम नहीं कर सकता है, उसका मतलब क्या है, उसका टैक्स अभी कोई भी एक प्रोडक्ट रहने से उसको टैक्स डाल के हम लोग को वही प्रोडक्ट हम लोग को लेता हूँ। अगर आप देख लीजिए, देखो 2014 में वो बेस प्राइस क्या है, 47 रुपीज़। ठीक है, फिर सेंट्रल टैक्स कॉली 14% है, स्टेट टैक्स कॉली 17% है, डीलर कमीशन 3% है, लेकिन अभी का टाइम अभी देखो बहुत उल्टा हो गया, अभी देखो सेंट्रल का टैक्स 36%, फिर स्टेट टैक्स 23%, मतलब स्टेट टैक्स से सेंट्रल टैक्स ज़्यादा हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट का बेस वैल्यू बहुत कम है, प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत कम है, हम लोग को खाली 50 रुपीज़ हम लोग को टैक्स के लिए हम लोग को पे करता हूँ। ठीक है, अभी का टाइम में जो टैक्स कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो टैक्स का परसेंटेज कम करने से जो हम लोग को पेट्रोल का जो रेट कम होने का बहुत चांसेस है, लेकिन बेस प्राइस में हम लोग नहीं कर सकते क्यों बोलने से क्रूड ऑयल का रेट वही लोगों मार्केट में अभी वो इंक्रीज किया। ठीक है, वो ये अभी कल यस्टरडे जो क्या बोलता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ स्टील मतलब धर्मेंद्र प्रधान वो जो क्या बोलता है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो क्या बोलता था वो मतलब आई एक्सेप्ट दैट फ्यूअल कंजप्शन आर प्रॉब्लमेटिक फॉर पीपल बट इट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ओवर 35 crores हैव बीन स्पेंट ऑन वैक्सीन इन ईयर। मतलब वो लोग क्या बोलते हैं अभी कोविड का टाइम में जो बहुत वैक्सीनेशन फिर सभी का फिर उसका जो रेस्ट्रेंट करने के लिए मतलब क्लीन करने के लिए जो बहुत क्या है जो अमाउंट जो स्पेंड किया फिर इसलिए हम लोग को वो टैक्स कम करने का जो चांसेस नहीं बोल के जो बोल रहा था। सो हम लोग को देखेंगे अगर वो लोग को कम करने से हम लोग को हमारा जो प्राइस दो कम होने का चांसेस है और नहीं तो जो फिर और एक बात भी पूछ आप लोग को मन में जो आना चाहिए सर वो अभी तो अभी का टाइम में जो क्रूड ऑयल प्राइस जो ज़्यादा हो गया इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहा था लेकिन क्रूड ऑयल कम रहने का टाइम हम लोग को कम में हम लोग को पेट्रोल प्राइस वो नहीं आ रहा था। यस बराबर है जो क्रूड ऑयल का टाइम क्रूड ऑयल का जो रेट जो कम होने का टाइम में जो टैक्स है ना जो मैं तो बोला वो टैक्स का परसेंट जो इंक्रीज कर दिया फिर हम लोग को कभी भी वो फिक्स्ड रेट में मतलब 80 से 90 रुपीज़ ऐसा फिक्स्ड रेट में हम लोग को पेट्रोल हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, सो इसका मतलब ठीक है अभी का रीज़न क्या है अभी का क्यों ना ऐसा बढ़ते रहता है बोलने से अभी का जो प्रॉब्लम क्या है जो क्रूड ऑयल का जो रेट जो वर्ल्ड वाइड में इंक्रीज हो गया जो देने वाला बहुत इंक्रीज कर दिया यही यही प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इसके बारे में अगर कुछ आपको कमेंट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फिर आपको कुछ आइडिया होने से मतलब हम लोग को एक ही प्रोडक्ट में हम लोग को डिपेंड करता हूँ इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है हम लोग को दो तीन प्रोडक्ट मतलब अभी देखो अभी पूरा पेट्रोल डीजल का हिसाब से हमारा गाड़ी चलता है अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक
स्कूटर इलेक्ट्रिक जो कार जो आने वाला बहुत आ गया था, मार्केट में आ गया, लेकिन उतना आदमी लोगों को यूज करने वाला नहीं है। अगर उतना ज्यादा आदमी लोगों को यूज करने से फिर हम लोग को स्विच ओवर कर सकते हैं, कोई आदमी को ये यूज करेगा, कोई आदमी यूज करेगा, फिर यूजेज कम होने से ऑटोमेटिकली सभी लोग क्या करेगा, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होने का चांसेस है, फिर सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग को दो तीन रिसोर्स में हम लोग को कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग को निकालने से दो दिन सोर्स में वो चलने वाला प्रोडक्ट को हम लोग को क्या है मैन्युफैक्चरिंग करना है। अगर करने से ऐसा वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएगा लगता है मेरे को। सो आपको कुछ कमेंट रहने से कमेंट बॉक्स, आपको कुछ मन में कुछ रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।